और आपके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज तो विकलांगता का दंश झेल रहे हैं, लेकिन वो भी ठीक होकर चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन इतनी महत्वाकांक्षा मत रखिएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग दंपतियों को देखा है जिन्होंने अपने परिवार का जितना भी जमा पूंजी थी, अपने पूरे जीवन की मेहनत की जमा पूंजी को अपने बच्चों को सुपुर्द कर दिया और वो अब वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं करिए। अपने जीवन को अच्छे से निकालने के लिए अपनी व्यवस्था खुद रखना बहुत ज़रूरी है। और माया मोह ये हमें तोड़ देती है। बच्चे से इतना अधिक स्नेह होता है कि बच्चे को दर्द थोड़ा सा भी मिल जाए तो हम तकलीफ पा जाते हैं और बच्चा दर्द पे दर्द दिए जाता है और हम उसके दर्द को सहन करते हैं। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जिनके भी बच्चे हैं, कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो अपनी व्यवस्था खुद रखिए और उनको भी अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए। बहुत आसानी से सब चीज़ें ऐसे पुरुष के थाली में मत रख दीजिए। आपने देखा होगा राजा महाराजा जो पहले के ज़माने में अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे, गुरुकुल में भेजते थे। और गुरुकुल में क्यों भेजते थे, उन राजा महाराजाओं के पास सब कुछ होता था, लेकिन वो गुरुकुल में इसलिए भेजते थे कि वो मेहनत करें, वो फाइट करें, वो समाज की विसंगतियों से फाइट करें। वो रोज अपना खाना खुद बनाते थे, लकड़ी जंगल से खुद लेके आते थे, बहुत गंदे से व्यवस्था में भी उनको रखा जाता था कुछ समय, ताकि वो गंदी व्यवस्थाओं में आगे कहीं रहना पड़े तो वो तकलीफ ना पाएं, वो आराम से उस समय को निकाल सकें। मैं आपको सच कहता हूँ कि हमारे अपने बच्चों को हम पुरुष पुरुष कर चीज़ें दे रहे हैं, बेड पर जहाँ बैठा है वहाँ पानी ला कर देते हैं, उनकी बहुत मांगों को हम पूरा कर देते हैं और वो बच्चा कहीं और चला जाता है, संस्कार विहीन बन जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम उनको संभालें